हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, मतलब गोले दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण। लेकिन इससे पहले अपन कुछ बेसिक जो जानकारी है, बेसिक जो नॉलेज है, उस पर अपन बात कर लेते हैं। क्योंकि जब अपन इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो कुछ ऐसे डेटा है जो फिक्स है, वो अपन लोगों को पता होने चाहिए और आप लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी एक बार अपन उन डेटा पे क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो रे ट्रेसिंग, मतलब जो भी रे, जो फिक्स्ड रेज हैं, जो गोली दर्पण पे जाके गिर रही हैं, तो किस तरीके से अपना पाथ चूज करेंगे, उसी पर अपन लोग यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखना आप लोग कि अगर सपोज मेरे पास इस तरीके से रूल नंबर वन, अगर सपोज मेरे पास इस तरीके से एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, ठीक, ये मिड पॉइंट, याद करो इसका पोल हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है ना, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है आप लोगों के पास, वो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। तो अब आप देखना कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है ना, ये आप लोगों के पास क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गई। अब जो रे, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आई बात समझ में, और ये कौन सी रे लेंगे अपन, पैराएक्सियल रेज, बताया था ना, उपाक्षीय किरण की ही बात करेंगे अपन हमेशा, ठीक। तो अगर सपोज आप लोगों के पास इंसिडेंट रे, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा कहां से पास होगी, आप लोगों के पास फोकस से पास होगी। आगे बात समझे आप लोगों को, कहां से पास होगी वो हमेशा आप लोगों के लिए, वो हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक। और इसी तरीके से अगर सपोज कॉनकेव की जगह अपने पास कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है ना, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, तो ऐसी कंडीशन पे ये इसका पोल हो गया। अब ये इस तरीके से, तो फैक्ट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा कि नहीं होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कहीं पर होगा कि नहीं होगा। तो अगर सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये अपन लोगों को कहां से आती हुई प्रतीत होती है, ये अपन लोगों को कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस है, इस तरीके से जाके इधर चल जाती है। तो अगर अपन यहां से देख रहे हैं तो ये अपन को कहां से आते हुए नजर आएगी, हमेशा फोकस से आते हुए नजर आएगी। आई बात समझ में, तो ऐसी कंडीशन पे पहला रूल ये कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, और अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से आते हुए आप लोगों को प्रतीत होगा, कहां से आता हुआ आप लोगों को लगेगा, फोकस से आते हुए लगेगा। आई बात समझ में आप लोगों को, नेक्स्ट रूल देखना आप लोग, सेकंड रूल, ठीक, इसका जस्ट अपोजिट एज इट इज, ये कॉनकेव मिरर है, वो अपन ज्यादा नहीं करेंगे, सिंपल सा बनाते हैं। ये इसका पोल हो गया, ठीक है ना, ये इसका आप लोगों के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये फोकस हो गया। अभी अपन ने क्या देखा था, रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, फोकस से जाइए, अगर सपोज रे फोकस पर आती है, रे फोकस पर आती है इस तरीके से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई बात समझ में आप लोगों को, कि अगर आपके पास प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या जाएगी, आप लोगों के पास समांतर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर सपोज कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये तो हो गया पोल, ठीक है ना, ये हो गया फोकस और ये हो गया, तो अगर सपोज अपन लोगों के पास रे इस तरीके से आती है और इस तरीके से आती है कि फोकस की तरफ मूव करती है, टुवर्ड्स फोकस मूव करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आ रही बात सुने, तो अगर सपोज रे इस तरीके से आ रही है कि वो डायरेक्ट कहां पे जाके, अगर सपोज ये मिरर नहीं होता तो कहां से पास होती, फोकस से, तो लेकिन अपन ने मिरर लगा दिया, तो ऐसी कंडीशन पर ये किधर की तरफ मूव करी है, टुवर्ड्स फोकस मूव करेगी करेगी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर किधर क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई बात सुने, एक चीज यही पर ही मैं आप लोगों को, ये तो सेकंड लो हो गया ना, यही पर ही मैं आपको थर्ड लो बताता हूं। अगर सपोज रे कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, वक्ता त्रिज्या से अगर रे पास होती है, तो देखना आप लोग, अगर सपोज रे इस तरीके से
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है इस तरीके से, तब आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या है, सेंटर। और अगर अपर रे, रे तो हमेशा सीधे पाथ में चलती है, तो फैक्ट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइन पास होती है तो वो हमेशा मिरर पर, दर्पण पर लंबवत गिरती है कि नहीं गिरती। और अगर ये लंबवत गिरेगी अरे बस में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये परावर्तन के पश्चात वापस अपने पाथ पर लौटकर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी भी मिरर पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत गिरती है तो परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। तो ऐसी कंडीशन पे थर्ड लॉ आप लोगों के पास कहता है कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपन लोग कह लेते हैं कि वो लौटकर वापस आ जाती है। आगे बस में यहां पे देखना आप लोग, अगर सपोज कोई रे इस तरीके से आती है कि वो आप लोगों को कहां पे जा रही है, वो डायरेक्ट इस तरीके से आ रही है और किधर की तरफ मुंह करी, टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, थर्ड लॉ होता है। अगली बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट देखना फोर्थ लॉ देखना आप लोग, फोर्थ लॉ देखना आप लोग, ठीक। फोर्थ आप लोगों के पास होता है कि अगर सपोज इस तरीके से अपने पास अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, ठीक। अगर रे किसी भी पॉइंट पर, अब ये तो अपन जानते भी कि अगर रे पोल पर आती है, ठीक, या कहीं पर भी किसी भी पार्ट पर इंसिडेंट होती है किसी भी एक एंगल आई से, तो फैक्ट है कि किससे लौट जाएगी, एंगल आई से ही लौट जाएगी कि नहीं लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना एंगल से आता है उतने एंगल से क्या जाएगा, वापस लौट के जाएगा, तो जाएगा। इसी तरीके से अगर सपोज ये अपन लोगों के पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, तो रे इस तरीके से इधर से आएगी, ये बनेगा एंगल आई और इसी तरीके से लौटकर वापस ले जाएगी, ये एंगल बनेगा क्या। और आप सबको पता होता है कि एंगल आई हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल आर के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। परावर्तन के नियम में अपन बात करते कि नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन पे ये कुछ नियम है जो आप लोगों को अच्छे से याद रखने, ये अपन लोगों के काम आएंगे, ठीक है ना। इमेज जब अपन फॉर्म करेंगे, जब अपन प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, तो ये कुछ अपने पास काम आएंगे। आई बात समझ में, तो देखना आप लोग, पहले जो अपन बात करते हैं, पहले अपन बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए अवतल दर्पण के लिए बात करते हैं। अरे बात समझ में आपको, ठीक। अब आप देखना, अब यहां पे फर्स्ट केस, ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब जब बिंब कहां पर हो, अनंत पर। आपको पता है कि अगर अनंत पर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो जो रे चल के आती है आप लोगों के पास, ठीक, जो भी रे चल के आएगी, ये तो पोल हो गया, ये अपने पास एक मिरर हो गया, ठीक है, उसके बाद ये इसका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर सपोज अनंत पर, मान लेते हैं कि अनंत यहां पर है अपन लोगों का, ये अनंत है और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक, ए बी, तो अनंत पर अगर कोई भी, इंफिनिटी पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उससे जो भी रे चल के आती है अपन लोगों के पास, वो रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और अपन यहां पे जो भी रे लेंगे वो सारी उपाक्षीय किरणें होंगी, पैराएक्सियल रेज होंगी। और ये जो भी, आप सबको पता था कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब कहां से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब फोकस से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। अब आप देखो, अगर मैं यहां पर सिंपल सी बात करूं, ठीक है ना, तो यहां पर जो भी रे आप लोगों के पास बनेगी, ठीक है ना, या जो भी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से पास हो रही कि नहीं करी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी की सारी इस पॉइंट पे जाके मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। और आप सबको पता होता है कि रे यहां पर रियलिटी में, एक्चुअली में क्या कर रही है, मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो जो अपन लोगों के पास इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब एक तो अपन लोगों के पास क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक है? क्योंकि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर वास्तविक रूप से जाकर मिल रही हैं, प्रतीत नहीं हो रही हैं, मिल रही हैं। और जब आपस में मिल रही हैं, तो फैक्ट है जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या बनेगा, आप लोगों के पास रियल बनेगा। लेकिन सारी की सारी एक ही बिंदु पर जाके मिल रही है, तो अगर एक ही बिंदु पर जाके मिल रही है, तो आपको पता है कि एक ही बिंदु पर जाके मिल रही है, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत ही क्या होगा, आप लोगों के पास स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो वेरी स्मॉल, तो इसका साइज होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, इसका साइज होगा वेरी स्मॉल।
ठीक। अब रियल है तो याद करो, अगर रियल है तो ये साथ में क्या होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और भी नहीं होगा। ठीक, रियल हो गया, वेरी स्मॉल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और कहां पे फॉर्म हो रहा है आप लोगों के पास, कहां पे फॉर्म होगा, एट फोकस। कहां पे फॉर्म होगा, एट फोकस, मतलब फोकस पर ही जाकर बनेगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन लोग यहां पर बात करेंगे, तो ये अपने पास एक तरीके से क्या गया, इमेज की प्रॉपर्टीज आ गई, गुण आ गए कि जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या क्या प्रॉपर्टी अपने पास रखेगा, रियल होगा, वेरी स्मॉल होगा, इन्वर्टेड होगा और एट फोकस होगा। तो हमेशा याद रखना है अपन को कि अगर अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, अरे बस में, तो उसे जो भी रे चल के आएगी वो हमेशा क्या आएगी आप लोगों के पास, पैरेलल चल के आएगी। अरे बस में, तो ऐसी कंडीशन पे समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? ठीक, नेक्स्ट केस देखें। अब अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लेके आते जाएंगे। अब आप देखना, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर, और इमेज कहां पर बनी, फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर, और इमेज प्रतिबिंब बना कहां पर, फोकस पर। अब इस चीज को ध्यान रखना बेटा बहुत, है ना। अब अपन बात करते हैं, केस सेकंड बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना, मतलब वक्रता केंद्र के पीछे अगर वस्तु रखी हो, ठीक ना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, बियॉन्ड सी या बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, मतलब या तो वक्रता केंद्र के पीछे या अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तो देखना आप लोग इसका जो बनेगा अपन लोगों के पास इमेज, या आप लोग सब पढ़ के आ चुके हो, लेकिन फिर भी बाय चांस थोड़ा बहुत अगर कुछ मिस हो गया हो तो अपन कम से कम वो याद आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। अब अपन ऑब्जेक्ट को ये यहां पर क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गया कि नहीं हो गया। अब अपन ने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, ऑब्जेक्ट ए बी, आगे बात समझे आप लोगों को? ठीक, अब अपन यहां पे क्या करेंगे, याद करो मैंने आपको बताया है कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज को बनाना है तो मुझे मिनिमम कितनी रेस चाहिए, 2 रेस, मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से कितनी रेस निकल रही है, इन्फाइनाइट। तो अपन को अगर यहां पर इमेज ड्रॉ करनी है तो मिनिमम 2 रेस तो पास करनी पड़ेगी। तो यहां पे जब मैं ये बना रहा हूं तो मैं 2 रेस पास करूंगा, 1 रे तो पास करूंगा मैं एज इट इज, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हर केस में मैं ये 2 रे लूंगा और दोनों बिल्कुल ऐसे पास करूंगा, 1 रे को तो पास करूंगा मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहां से पास होगी आप लोगों के पास, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीन परावर्तन के पश्चात वो कहां से गुजर जाएगी, वो फोकस से गुजर जाएगी। इस तरीके से आगे बस में, 1 रे तो मैंने ले ली कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। और 1 रे ले लेता हूं मैं पोल पे सीधा, 1 रे ले ली मैंने पोल पे, ये सेकंड रे हो गई मेरे पास, ठीक है, ये सेकंड रे हो गई मेरे पास। ठीक, तो अब जितने एंगल से आना है उतने ही एंगल से वापस जाना है, तो इसका एंगल इधर की तरफ ये इस तरीके से इधर लौट जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से इधर लौट जाएगी। तो अब देखो ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के पश्चात किस बिंदु पे जाके मिली, यहां पे जाके मिली कि नहीं मिली, और जहां पर मिलेगी वहां पर ही क्या बन जाएगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, इमेज बनेगा कि नहीं। अब आप देखो रे कहां किस पॉइंट से चलाना स्टार्ट करा अपन ने, ए से, कहां से चलाना स्टार्ट करा, ए से। तो जहां पर ये मिलेगी देखो, तो यहां से अलग हो रही है तो यहां पर मिल भी तो रही है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ए डैश। और ये वाला पॉइंट कहां पर रखा है, बी, बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर, तो एज इट इज इसके नीचे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ए और बी, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, बी डैश। तो आप लोगों की इमेज बन जाएगी इस तरीके से, आई बात समझ में आप लोगों को? और आप सबको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में होता है, ठीक ना, तो बनने वाली जो इमेज होती है वो बिटवीन सी एंड एफ होती है। आई बस में, कि अगर आप लोगों का जो निकाय अगर सी के पीछे होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सी और एफ के मध्य में बनता है। अब देखो वास्तव में मिल रही है रे तो रियल होगा, ठीक। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो वीरी को हटा के यहां पे क्या कर देते हैं, स्मॉल साइज मान लेते हैं, इन्वर्टेड उल्टा है, क्योंकि ये तो हो गया सीधा और ये हो गया क्या, उल्टा, तो इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन बनेगा कहां पर, ये बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के
मध्य में बनेगा। अब आप बहुत ध्यान से सोचो, जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आया, जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आया, इमेज इधर की तरफ खिसकने लग गया। अरे बस में तो नेक्स्ट केस देखे अब अपन, केस थर्ड, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं एट सी, सी पर, तो देखना आप लोग किस तरीके से बनेगा। बस अब मैं ये लास्ट बनाऊंगा, बाकी के आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक। पी सी एफ, वो ऑब्जेक्ट को अपन कहां पे रख देते हैं, सी पे रख देते हैं इस तरीके से। अब एक रे को तो वही एज इट इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी, ये फोकस से, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और एक रे को अपन कहां से पास करते हैं, पोल से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल आई से आ रहा है, तो एंगल आई से ही जाना पड़ेगा इसको, तो इस तरीके से चला जाएगा ये, ठीक। तब ऐसी कंडीशन पे ये भी एंगल आई हो जाएगा, क्यों जाएगा, तो आप देखो ये यहां पे जाके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अब ये पॉइंट ए, अब देखो यहीं से तो रे निकल रही है, तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर, तो बिल्कुल, अब अगर अपन इसको बिल्कुल एज इट इज स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एज इट इज ये ऊपर ही बनना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो देखो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन गया, लेकिन उल्टा बना कि नहीं बना। तो अगर सपोज ऑब्जेक्ट आपका सी पर होता है, तो बनने वाली जो आप लोगों की इमेज होती है, इमेज प्रतिबिंब होता है, वो भी किस पर बनता है, आप लोगों का सी पर बनता है। अब रियल में मिल रहा है, जो किरणें परावर्तन के पश्चात रियल में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन पे रियल, ठीक है। अब स्मॉल नहीं बनेगा, अब क्या बन लिखेंगे अपन लोग, सेम साइज का बनेगा, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का क्या बनेगा आप लोगों के पास, इमेज बनेगा। लेकिन इन्वर्टेड है, देखो उल्टा हो गया एकदम से, अरे बस में। और कहां पर बनेगा आप लोगों के पास, एट सी, मतलब सी पर ही बनेगा। आई बात समझ में आप लोगों को, नेक्स्ट चले हम अपन, चलो नेक्स्ट देखना आप लोग। अब मेरे पास यहां पे दो केस आएंगे, अब जो नेक्स्ट केस आएगा कौन सा आएगा, थर्ड, ठीक है ना, थर्ड नहीं, वन टू थ्री फोर्थ आएगा आपके पास, ठीक है ना, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी एंड एफ के मध्य। तब यहां पर आपके पास हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया आपके पास सी। अब ऑब्जेक्ट यहां पे रखना है आपको, अगली बात में अब आपको ध्यान से देखना, ये आप लोग मुझे खुद बना के बताएंगे। अब आप देखना, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, सी के पीछे था, तो इमेज यहां पर बनी थी कि नहीं बनी थी, उल्टी। तो जब यहां पर ऐसे ऑब्जेक्ट रखा था तब इमेज यहां पर बनी थी। अब आप देखो जो ऑब्जेक्ट है ना वो सी के और एफ के मध्य में आ गया, बीच में आ गया, तो फैक्ट अब जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, सी के पीछे बनेगी। तो जो भी आप बनाएंगे इस तरीके से, जो रे पास करेंगे एक फोकस से पास करके, इधर से पास कर देंगे, एक इधर से पास कर देंगे इस तरीके से, और यहां कहां पर बन जाएगा, सी के पीछे। तो आप देखो रियल में मिल रहा है तो रियल होगा, ठीक है। अब इमेज जो हो जाएगा वो जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या जाएगा, लार्ज साइज का हो जाएगा आप लोगों के पास, इन्वर्टेड होगा, क्यों, क्योंकि अभी भी उल्टा ही बन रहा है, ठीक। और यहां पे क्या बनेगा, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे आप लोगों का प्रतिबिंब या फिर इमेज बनेगा, कर लोगे ना पक्के से। अरे बस में अब आप लोगों को ही करना है। और इसके अपोजिट अगर मैं फोकस पर रख दू, फोकस पर रख दू ऑब्जेक्ट को, नेक्स्ट केस में, फिफ्थ केस में, एट एफ, तो याद करो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां पर बनी थी, फोकस पर, प्रतिबिंब कहां पर बनता, फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर, तो इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर। तो एक रे को तो एज इट इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देना, और एक रे को कहां पर भेज देना, पोल पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर पास हो जाएगी और ये इधर पास हो जाएगी, और इन दोनों को बिल्कुल पैरेलल रखना। पैरेलल क्यों, क्योंकि पैरेलल होगी तभी तो इंफिनिटी पे जाके मिलेगी, और मिलाना है अपन को। मैं इनको दूर भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि दूर कर दूंगा तो कभी मिलेंगी नहीं, तो मैं इनको अप्रोक्स पैरेलल कर देता हूं, पैरेलल एकदम, ताकि कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे जाके ये क्या करेंगी, मीट करेंगी और मिलेंगी, क्योंकि अब ये इंफिनिटी पे कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, तो फैक्ट है रियल। और यहां पर हो जाएगा वेरी लार्ज, वहां पर क्या था, वेरी स्मॉल, और रियल मिलेंगी जाके, तो फैक्ट है इन्वर्टेड होगा। और यहां पर अब बियॉन्ड सी की जगह क्या जाएगा, कहां पर जाके मिलेगी, एट इंफिनिटी, मतलब अनंत पे जाके आप लोगों का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट लास्ट केस देखना आप लोग,
ये मैं करा देता हूं उन लोगों को। ठीक देखना, ठीक है ना, देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है ना, एफ और पी के मध्य। तो देखना आप लोग बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये अपने पास अवतल दर्पण हो गया, ठीक, ये फोकस हो गया, सॉरी पॉल हो गया, ये फोकस हो गया, ये अब अपन कहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, सी पी और एफ के मध्य में रख दो, ये रख दिया, ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी। एक रे को तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल छोड़ दो, और एक रे को कहां से पास करना है, पोल से पास करना है, ठीक है। अब जिस एंगल से आना है उसी एंगल से वापस जाना है कि नहीं जाना है, तो ये रे इधर की तरफ इधर लौट जाएगी, अरे बस में जिस एंगल से आना है उसी एंगल से वापस आना, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहां से पास होगी, फोकस से, इस तरीके से फोकस से पास हो जाएगी इधर। अब देखो ये तो दूर जा रहे ना, तो फैक्ट है इंफिनिटी पे कभी जाके मिलेंगे नहीं, तो अगर अपन इसको यहां से इस तरीके से देख रहे तो फैक्ट है कि अब ये डाइवर्ज हो रहे, डाइवर्ज हो रहे, तो फैक्ट है कि इस रे को अगर मैं पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ाऊं और ये रे को इधर की तरफ बढ़ाऊं तो ये यहां पे जाके कहीं पर अपीयर टू मीट, मतलब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों की यहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। फैक्ट है यहां से अलग अलग हो रहे हैं और यहां पे मिलते हुए मिल रहे हैं अपन लोगों को, ऐसा इस तरीके से फील हो रहा है, तो यहां पर ए डैश बी डैश बनेगा कि नहीं बनेगा। अब रियलिटी में तो नहीं मिले तो, लेकिन मिरर के पीछे बने, तो ऐसी कंडीशन पे अब जो मैं इमेज के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, इमेज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर इमेज के बारे में क्या बात करूंगा, फर्स्ट पहला तो क्या बोलूंगा, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी, वर्चुअल मतलब आभासी। सेकंड में यहां पर क्या बोलूंगा, ठीक है ना, सेकंड ये बोलूंगा एक तरीके से कि अगर वर्चुअल है, ठीक है ना, तो फैक्ट है कि देखो ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है और आप लोगों का इमेज भी बिल्कुल वैसा का वैसा होगा, इट मींस इरेक्ट, इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा ही आप लोग का प्रतिबिंब बनेगा, मतलब सीधा, अगली बस में बिल्कुल, मतलब मुख्य अक्ष के अगर आप ऊपर चलते हो तो सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे चलते हो तो उल्टा, तो क्या बनेगा आप लोगों के पास, सीधा। ठीक, थर्ड अगर मैं बात करूं तो वेरी लार्ज, ठीक है ना, या फिर वेरी लार्ज ना बोल के मैं तो सिंपल लार्ज बोल देता हूं कि साइज में क्या होगा, थोड़ा सा थोड़ा बड़ा होगा, लार्ज होगा, अगली बात समझ में। ठीक, और कहां पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर, हमेशा मिरर के पीछे बनेगा, मतलब पीछे की तरफ। याद करो आप लोग जब अपन प्लेन मिरर पढ़ते थे, प्लेन मिरर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे को अपन इधर डाल देते थे, एक रे को इधर डालते, ये इधर चली जाती थी, इसको पीछे बढ़ाते थे कि नहीं बढ़ाते थे, तो ये भी तो मिरर के पीछे बनती थी इमेज, प्रतिबिंब। और याद करो हमेशा आभासी बोलते थे आप लोग, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, तो वही चीज यहां पर अपन लोगों के पास, अरे बस समझे आप लोगों को। ठीक, लेकिन वो प्लेन था और ये अपन लोगों के पास क्या है, स्फेरिकल है, आई नहीं बस समझे आप लोगों को। ठीक, तो इस तरीके से टोटल अपने पास 6 केसेस होते हैं। ठीक, और इन सबके थ्रू आप लोगों को इमेजेस बनाने आनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट देखना आप लोग, यहां पे फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को। केस फर्स्ट में अपन लोगों ने क्या देखा कि अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, अनंत पर है, तो जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, एट फोकस, फोकस पर बनेगी। ठीक, याद करो मैंने इसके बारे में क्या बताया था, ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना, वेरी स्मॉल एट फोकस। आगे बस में सेकंड की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, या अनंत और सी के मध्य में, तो याद करो कहां पर बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, सी और एफ के मध्य में बनेगा। थर्ड अपन लोगों ने क्या बात करी थी कि एट सी ले लिया था, कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, सी पर, तो इमेज कहां पर बनेगी आप लोगों की, एट सी पर ही बनेगी, सेम साइज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। फोर्थ केस में अपन लोगों ने क्या देखा था, बिटवीन सी एंड एफ। अब देखना जैसे सी के बाद अब सारे केस उल्टे होने लग जाएंगे, अब बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो देखना जब बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट तब इमेज यहां पर बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो आपके पास आ जाएगा बियॉन्ड सी, सी के पीछे।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, एट एफ रख देंगे फोकस पे, और जब फोकस पे रखेंगे तो आप लोगों की इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी कि नहीं बनेगी, अनंत पे बनेगी कि नहीं बनेगी। और नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्या करेंगे बिटवीन पी एंड एफ, तो जो इमेज बनेगी वो आप लोगों के पास बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो इस तरीके से जब भी अपन कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर में हमेशा अपन इन सिक्स केसेस पर ही अपन लोग क्या करेंगे, हमेशा बात करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को, नेक्स्ट देखना आप लोग। अब अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए अपन को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी आप लोगों को पता लग जाएगा कि कॉन्वेक्स से जो इमेज ड्रॉ होती है वो आप लोगों के पास वर्चुअली बनती है नॉर्मल जनरली, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो, ज्यादा अगर मैं टिपिकल केसेस तो बात नहीं करता हूं, तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बात करता हूं फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर मैं बात करता हूं तो आप देखना वही सबसे पहले बात करते हैं एट इंफिनिटी अनंत पर केस फर्स्ट, देखना आप लोग ठीक है ना। तो ये तो हो गया पोल, अब ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा कि नहीं होगा, तो फैक्ट है कि इसका फोकस कहां पर होगा आप लोगों के पास, इसका फोकस यहां पर कहीं पर इसके बिल्कुल सेंटर पर। अब अपन मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है ए बी, और अगर कोई इन्फिनिटी पे अनंत पर अगर रखा हुआ होता है तो रे हमेशा मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल के आती कि नहीं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपन क्या देखेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे अपन को कहां से आते हुए नजर आएगी, इस तरीके से फोकस से आते हुए नजर आएगी। तो अगर मैं इन रे को पीछे की तरफ मीट करूंगा तो ये कहां पे जाके मीट करेंगी, फोकस पे जाके मीट करेंगी कि नहीं करेंगी, अपीयर टू मीट, अगर मैं सिंपल सी बात करूं मिलते हुए प्रतीत होंगी, तो यहां पर आप लोगों की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और यहां पे जो आप लोगों के पास अब इमेज बनेगी वो इमेज आप लोगों के पास क्या होगा, पहली बात तो वर्चुअल आभासी ठीक, फिर अगर आभासी है तो फैक्ट है क्या होगा, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी ठीक। उसके बाद अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो वेरी स्मॉल, क्योंकि फोकस पे बन रही है, और एट फोकस, आई नहीं बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट देखना आप लोग, नेक्स्ट अब अपन ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख देते हैं एट या फिर बिटवीन सी एंड या फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, मतलब अनंत और पी के मध्य, देखना आप लोग हो गया पोल, हो गया फोकस, हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे अपन अब यहां पे अपन ने कहीं पर भी ये अनंत है ठीक, और यहां पर अपन ने ऐसे ऑब्जेक्ट कर दिया ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब एक रे को तो अपन क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देते हैं, और एक रे को अपन कहां से भेजेंगे, एक रे को अपन फोकस से भेजेंगे, तो जितने एंगल से आना है उतने ही एंगल से वापस लौट जाना है, तो ये आई हो गया। लेकिन ये वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के पश्चात ये किधर की तरफ जाएगी, इस तरीके से जाएगी कि आप लोगों को लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, और इधर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पर आप देखना इस रे को तो अपन ने पीछे की तरफ ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, अब इसको भी क्योंकि ये वाली रे और ये वाली रे इन फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगी ठीक, तो अगर कभी नहीं मिलेंगे तो फैक्ट है कि अब इसको भी मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, और जहां पे ये अपीयर टू मीट मिलते हुए प्रतीत होंगे वहां पर आप लोगों का प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये आपके पास हो गया ए, हो गया बी, हो गया आपके पास ए डैश, और ये हो गया आपके पास बी डैश ठीक। तो यहां पर जो आपका इमेज बन रहा है ये भी एक तरीके से क्या होगा आप लोगों के पास, वर्चुअल इरेक्ट ठीक ना, स्मॉल ठीक, एंड बिटवीन पी एंड एफ। अभी बात समझ में आप लोगों को, अब आपको ध्यान से देखना इस वाले केस में आपके पास कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में आप कुछ भी कर लो, जनरली जो इमेज ड्रॉ होगी वो एफ और पी के बीच में ड्रॉ होगी। चाहे मैं आपको करके दिखा देता हूं, मान लो मैं कि ऑब्जेक्ट को बिल्कुल यहीं रख देता हूं, देखो यहां रख दिया मैंने, बहुत ध्यान से देखना आप लोग,
मैंने यहां रख दिया। एक रे को तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दो और एक रे को कहां पर भेज दो, पोल पर। जो पोल पर आएगी वो इधर लौट जाएगी कि नहीं लौट जाएगी, और ये वाली रे आप लोगों को इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि कहां से आपको आते हुए प्रतीत होती है, ये इधर निकल जाएगी। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस रे को इधर, इसको पीछे मिला दिया और इसको इधर मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, पीछे, और जहां पर मिलाएंगे आप लोगों का प्रतिबिंब बन जाएगा ये वही ए डैश बी डैश, ये हो गया ए और बी। तो आप देख लो अभी भी यही बन, तो जैसे जैसे आप पास आते जाओगे आप लोगों का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, जो इमेज है वो भी आप लोगों के पास आती जाएगी। अरे बस समझा आप लोगों को, इन्फिनिटी पे थे तब फोकस, अब जैसे जैसे इन्फिनिटी के पोल के पास आते जा रहे हो आपका प्रतिबिंब भी पोल के पास आता जा रहा है। जबकि कॉनकेव में क्या था, अवतल में क्या था कि जैसे जैसे आप लोग पास आते जा रहे थे, पास आते जा रहे थे, वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब दूर जाता जा रहा था। और लास्ट वाले केस में क्या हुआ कि जैसे आप फोकस से आगे गए आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला गया और किसमें कन्वर्ट हो गया, आभासी, इट मींस वर्चुअल में कन्वर्ट हो गया, आई नहीं बस में। तो इस तरीके से अपन मिरर के थ्रू, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक ना, अपन किसी भी तरीके की इमेज को आसानी से यहां पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को, नेक्स्ट देखना आप लोग। अब इसी तरीके से मैं बात करता हूं किसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। अब आपको इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि आप ये मेरे पास एक सिंपल सा बेसिक सा अपन ले लेते हैं, ये मेरे पास हमेशा ये जो एक्सिस है इधर की तरफ एस एक्सिस होती है, इधर की तरफ वाई एक्सिस होती है कि नहीं होती आप लोगों को, और ये जो पॉइंट है जो मेरे पास एक तरीके से जीरो जीरो पॉइंट होता है, इसको मैं हमेशा पोल पे रखूंगा। पोल पे मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपका दर्पण है, ठीक है ना, ये आपका मिरर है, ये पोल हो गया। अब ये लाइन तो आप ड्रॉ करते हो ना, बस एक लाइन और यहां पर ड्रॉ कर दो। तो दर्पण हमेशा इस तरीके से रखना है कि पोल उसका हमेशा कहां पर आ जाए, जीरो जीरो पर आ जाए। आ गई बात समझ में, तो आप बहुत ध्यान से देखना, आपको पता है, आपको पता है कि अगर मैं एक्सिस में इधर की तरफ मूव करूंगा, ठीक है ना, एक्सिस में अगर मैं इधर की तरफ मूव करूंगा तो वो हमेशा आप लोगों के पास क्या होगा, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। और इसी एक्सिस पर अगर आप उल्टी तरफ मतलब पोल से इधर की तरफ जाते हो तो ये आपके इधर पोल के जस्ट इधर जो भी होगा वो सारा का सारा आप लोगों के पास हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, कहीं होगा। और अगर सपोज आप पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करते हो तो आप ऊपर भी क्या होता है, हमेशा सब पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है आप लोगों के पास। लेकिन अगर आप पोल से नीचे की तरफ मूव करते हो तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, एक तरीके से नेगेटिव होता है। बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना कि अगर इधर चलेंगे पोल से पॉजिटिव, इधर रहेंगे तो नेगेटिव, ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव, पोल से नीचे रहेंगे तो नेगेटिव। आई बात समझ में, एक बार मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं आप लोगों को, है ना, देखना। एक इमेज ड्रॉ करते हैं अपन लोग, ठीक है, देखना आप लोग। कॉनकेव मिरर ले लेते हैं अपन लोग, है ना, ये हो गया पोल, वही जीरो जीरो पॉइंट, ठीक, ये हो गया अपन लोगों का फोकस, ये हो गया अपन लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपन क्या करते हैं, इमेज को सी और एफ के मध्य में रख देते हैं, यहां पर रख देता हूं ऑब्जेक्ट को, ए बी, ठीक। अब एक रे को तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दो, और जैसे आप पैरेलल भेजोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के पश्चात ये कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी इधर की तरफ। और एक रे को आप कहां पे भेज दो, पोल पे भेज दो, तो जितने एंगल से आना है उतने ही एंगल से लौट जाना है, और यहां पे कहीं पे तो ये एंगल भी हो जाएगा आई, और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे दोनों मिल रहा है, रियलिटी में मीट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास ये इमेज बनेगा इधर, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब आप सबको पता होता है कि आप लोगों का ऑब्जेक्ट और जो पोल होता है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप बोलते हो यू, ठीक ना। इसी तरीके से जो आप लोगों का इमेज होता है और जो पोल होता है, प्रतिबिंब और ध्रुव के मध्य का जो डिस्टेंस होता है वो उसको आप बोलते हो वी, ठीक है ना। और जो अपन लोगों का सी होता है, सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं एफ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ये सारी चीजें होती है। अब आप खुद देखो सारी की सारी पोल के इधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यू मेरे पास नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पोल के इधर की तरफ है। मैं मान लेता हूं कि जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ है, तो ये वाली हाइट मैं मान लेता हूं एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, बिंब की ऊंचाई, और ये मैं मान लेता हूं एच आई,
बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब आप देखना अगर मैं बात करूं तो एच नोट भी तो ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है, तो एच नोट यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद देखना आप लोग वी, वी भी तो अपोजिट साइड में, तो वी भी क्या होगा आप लोगों के पास, नेगेटिव। आर भी इधर की तरफ है तो आर भी क्या होगा, नेगेटिव। एफ भी इधर की तरफ है तो माइनस एफ भी नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद एच, देखो एच आई नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे यहां पर एच आई आप लोगों के पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन लोगों को चिन्ह परिभाषा यूज करनी है, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन यूज करना है। अब एज इट इज ये चीज मैं आप लोगों को कॉन्वेक्स के लिए भी एक बता लेता हूं कि पॉजिटिव किस किस केस में कॉन्वेक्स के लिए भी अपन बात कर लेते हैं, ताकि अपन लोगों को समझने में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। तो देखना बेटा, हमें कॉन्वेक्स के लिए भी समझा देता हूं जल्दी से। ठीक है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी पढ़ना वहां रख लो आप लोग, आपको कहीं पर भी रखो, आपको केवल दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है आप लोगों को? आप लोगों को केवल ये याद रखना है कि मुझे दो रे भेजनी है, एक रे को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजना है और एक रे को हमेशा पोल पे भेजना है। पोल पे जो रे जाती है वो उसी एंगल से वापस लौट कर लौट जाती है, और ये वाली रे इधर जा रही है। अब ये देखो ऐसे तो टकरा के ऊपर जाएगी और इस तरीके से जाएगी कि अगर आप परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो वो कहां से आते हुए प्रतीत होगी आप लोगों को? फोकस से आते हुए प्रतीत होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन पे अब ये तो इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, क्या कभी मिलेंगे क्या? नहीं। अब ये तो पीछे मिला दी मैंने, अब इसको भी पीछे बढ़ा दो, तो जहां पर भी ये मिलेंगे वहां पर आपका एक प्रतिबिंब बन जाएगा, एक इमेज ड्रॉ हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक है ना, इसका हाइट अपन लोगों ने ले लिया एच नॉट, इसका हाइट अपन लोगों ने ले लिया एच आई, इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपन लोगों ने ले लिया यू, इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया अपन ने वी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया एफ और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया आर। तब आप बहुत ध्यान से देखना, यू तो अभी भी इधर की तरफ ही आ रहा है, यू तो अभी भी इधर की तरफ आ रहा है, तो माइनस। तो हमेशा याद रखना यू तो हमेशा क्या होता है आप लोगों के पास, नेगेटिव होगा। अब एच नॉट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो क्या होगा आप लोगों के पास, पॉजिटिव। ठीक है ना, एच आई भी ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। ठीक, अब देखो वी भी उधर है, एफ भी उधर है, आर भी उधर है, तो वी भी पॉजिटिव होगा, आर भी पॉजिटिव होगा और साथ में एफ भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से अपन साइन कन्वेंशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को बेटा? ठीक, चलो देखो एक बार इसको।